हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे उन सभी के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत ही कम टाइम रह गया है उनका एग्जाम्स में। तो जैसा कि मैं हर बार आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, अब मैं आप लोगों के साथ लेकर आने वाला हूँ जो भी आपके जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सभी की यूनिट वाइज वन शॉट रिविजन वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट यूनिट को एक वीडियो के अंदर एक वन शॉट रिवीजन में कंप्लीट करवा दूंगा। सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, सारी चीजें आपकी डिटेल में कवर हो जाएंगी। अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है अच्छे से नहीं हुई है, तो वो सारी चीजें अब आपकी इस वन शॉट रिवीजन वीडियो से कवर होने वाली है। सारी सब्जेक्ट की सारे सेमेस्टर के लिए वन शॉट रिवीजन वीडियो आने वाली है। सारे सब्जेक्ट की आपको धीरे धीरे चैनल पर अपलोड मिल जाएंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। तो धीरे धीरे करके एक एक करके आपके पास सारे सब्जेक्ट की वीडियोस आपको अवेलेबल होने वाली हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जो आपका कंपनी लॉ सब्जेक्ट है सेमेस्टर टू वाले स्टूडेंट का, चाहे बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स के किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट कोर्स के स्टूडेंट हो, उन सभी के पास सब्जेक्ट है कंपनी लॉ का। उसकी यूनिट नंबर टू, जिसका नाम है आपका फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की एक वन शॉट रिवीजन, जिसके अंदर मैं आपको जितना भी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें आपके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें क्या क्या दिया है करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में, प्रोमोटर्स के बारे में, देयर लीगल पोजीशन, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स अल्टरेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स अल्टरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावाइट्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ये चीजें आपको पढ़नी है। इतना ही कंटेंट आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया गया है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या होता है? तो द होल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में रफली डिवाइडेड फॉर कन्वीनियंस इंटू थ्री पार्ट, प्रोमोशन, रजिस्ट्रेशन एंड फ्लोटेशन। जो कंपनी के फॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है उसे हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले कंपनी का प्रमोशन होता है, फिर रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद उसका फ्लोटेशन होता है। तो सबसे पहले समझ रहे हैं प्रमोशन क्या होता है। प्रमोशन इज अ टर्म ऑफ वाइड इंपोर्ट डिनोटिंग द प्रिलिमिनरी स्टेप टेकन फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फ्लोटेशन ऑफ द कंपनी। प्रमोशन एक वाइड टर्म है जिसका मतलब क्या होता है, रजिस्ट्रेशन और फ्लोटेशन से पहले जो भी स्टेप लिए जाए वो आपके प्रमोशन का पार्ट बनते हैं। द पर्सन हु अज्यूम्स द टास्क ऑफ प्रमोशन आर कॉल्ड प्रोमोटर। प्रोमोटर हम इसे किसे कहते हैं, कोई भी पर्सन जो प्रमोशन का काम करता है उसे प्रोमोटर कहा जाता है। द प्रोमोटर में भी इंडिविजुअल, सिंडिकेट, एसोसिएशन, पार्टनरशिप और कंपनी। जो प्रोमोटर होता है वो कोई भी हो सकता है, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन, कोई सिंडिकेट, कोई एसोसिएशन या कोई पार्टनरशिप या कंपनी भी प्रोमोटर बन सकती है। हु इज अ प्रोमोटर, तो द ट्रू टेस्ट ऑफ वेदर अ पर्सन इज प्रोमोटर इज वेदर ही हैज डिजायर दैट अ कंपनी बी फॉर्मड एंड इज प्रिपेयर टू टेक सम स्टेप। हम एक्चुअल लैंग्वेज में प्रोमोटर एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो ये चाहता है कि कंपनी फॉर्म हो और जो उसको फॉर्म करने के लिए स्टेप्स लेता है, विच मे और मे नॉट इन्वॉल्व अदर पर्सन टू इम्प्लीमेंट इट, जिसके अंदर या तो वो होता है या उसके अलावा कोई और पर्सन हो या ना हो मतलब नहीं है, सिर्फ अगर एक पर्सन भी है तो वो प्रोमोटर कहलाएगा। However, person assisting the promoter by acting in professional capacity do not thereby become promoter themselves. लेकिन कोई भी ऐसा person जो कि professional service provide कर रहा है promoter को company form करने के लिए, तो उसे हम promoter नहीं कह सकते क्योंकि वो अपनी service provide कर रहा है, ना कि promotion में help कर रहा है। If, however, he goes further than this, is it by introducing his client to a person who may be interested in purchasing share in the proposed company, he would be regarded as promoter. लेकिन अगर वही पर्सन क्या करे, अपना क्लाइंट बने एक तरीके से और क्या करे, उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए रेडी हो जाता है, तो फिर उस पर्सन को हम उसका प्रमोटर मान सकते हैं। अब है ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी ऑफ प्रमोटर। जो एक प्रमोटर होता है उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या क्या लाइबिलिटी होती है। तो सबसे पहले ड्यूटीज में रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस रिक्वायर द प्रमोटर टू मेक अ फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जो प्रमोटर होगा उसे क्या करना पड़ेगा, कंपनी की फॉर्मेशन में जो जो भी फैक्ट्स रहेंगे, जो मटेरियल फैक्ट्स रहेंगे, उनका कंप्लीट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ही शुड नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट एट एक्सपेंस ऑफ कंपनी ही प्रमोट्स विदाउट द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ कंपनी एंड इफ ही डज सो द कंपनी में कंपेल हिम टू अकाउंट फॉर इट। जो प्रमोटर होगा वो क्या नहीं करेगा, कंपनी के खर्चा करवा के अपना प्रॉफिट नहीं बनाएगा। अगर वो ऐसा करता है तो कंपनी उससे उसके लिए कंपेल कर सकती है और उससे वो चीजें वापस ले सकती है प्रॉफिट का पार्ट। फिर है प्रमोटर इज नॉट फॉरबिडन टू मेक प्रॉफिट बट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। प्रमोटर
कंपनी के लिए अगर प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो वो कर सकता है, लेकिन अगर अपने लिए सीक्रेट प्रॉफिट बना रहा है कंपनी के खर्चे से तो ऐसा करना उसे फॉरबिड करता है, मतलब रिस्ट्रिक्ट करता है। लाइबिलिटीज क्या क्या होती है प्रोमोटर की? नंबर वन, प्रोमोटर इज लाइबल टू ओरिजिनल एलोटी ऑफ शेयर फॉर द मिसस्टेटमेंट कंटेंड इन प्रोस्पेक्टस। अगर कोई पर्सन कंपनी के शेयर खरीदता है किसी ऐसी चीज पर विश्वास कर कर जो कि प्रोस्पेक्टस में दी गई थी लेकिन गलत थी, तो उसके लिए प्रोमोटर लायबल होता है कि उसने प्रोस्पेक्टस के अंदर मिस स्टेटमेंट डाली हुई थी जिसकी वजह से किसी ने शेयर खरीदे और अब उसे उसका नुकसान हो गया। इट इज क्लियर दैट लाइबिलिटी डज नॉट एक्सटेंड टू सब्सिक्वेंट अलॉटी, लेकिन जो अगला अलॉटी है सिर्फ एक ही बार जिसने शेयर खरीदे हैं उसके लिए लायबल होगा, अगर उसने वो शेयर किसी और को बेच दिए तो फिर उसके लिए वो प्रोमोटर लायबल नहीं होता है। नेक्स्ट है कि लाइबिलिटी इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर द कोर्ट में मेक अ प्रोमोटर लायबल फॉर मिस फाइनेंस और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। वाइंडिंग अप के केस में क्या होता है, अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर ने एप्लीकेशन दे दी है तो प्रोमोटर को लायबल करा जा सकता है कि ट्रस्ट को ब्रीच करने के लिए। तो ये दो लाइबिलिटी होती है प्रोमोटर की। ये हो गया आपका प्रमोशन का स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन। तो सेक्शन 12 स्टेट दैट एनी 7 और मोर पर्सन और वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म विल अ प्राइवेट कंपनी 2 और मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर एनी लॉफुल पर्पस मे बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड अदरवाइज कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी विद और विदाउट लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या बोला है, सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई पब्लिक कंपनी बनाना चाहता है तो 7 या 7 से ज्यादा लोग मिलकर, और अगर कोई प्राइवेट कंपनी बनाना चाह रहा है तो 2 या 2 से लोग ज्यादा लोग मिलकर किसी लॉफुल पर्पस के लिए या मतलब लॉफुल बिजनेस के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, अपना नाम मेमोरेंडम में मेंशन करवा के एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सेक्शन 33 स्टेट दैट फॉलोइंग 3 डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। सेक्शन 33 के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जब कंपनी को फॉर्म करता है रजिस्टर करवाता है तो उसे 3 डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करने पड़ते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए। क्या क्या 3 डॉक्यूमेंट है? पहला डॉक्यूमेंट आता है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, सेकेंड आता है द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, थर्ड आता है द एग्रीमेंट इफ एनी ऑफ विच कंपनी प्रपोजेज टू एंटर इनटू एनी इंडिविजुअल फॉर अपॉइंटमेंट एज इट्स मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। एक वो एग्रीमेंट जिसके अंदर क्या कराएगी, कंपनी किसी को अपना होल टाइम या मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करती है तो वो एग्रीमेंट भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट होना पड़ता है, करना पड़ता है। सेक्शन 33 आल्सो रिक्वायर अ डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार अलोंग विद मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, दिस इज नोन एज स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंसेस। सेक्शन 33 के अंदर एक और प्रोविजन दी गई है कि आर्टिकल और मेमोरेंडम के साथ साथ एक डिक्लेरेशन और सबमिट करना पड़ता है जिसे क्या कहा जाता है, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंसेस। इट कैन बी मेड बाय एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ और ऑफ अ हाई कोर्ट, एन अटॉर्नी और प्लीडर इंटाइटल्ड टू अपियर बिफोर हाई कोर्ट, और अ कंपनी सेक्रेटरी और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन होल टाइम इन प्रैक्टिस इन इंडिया हु इज एंगेज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और बाय पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल एज डायरेक्टर मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। क्या बोला है, ये जो डिक्लेरेशन है ये कौन बना सकता है, कोई भी एडवोकेट, या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का एडवोकेट हो या फिर कंपनी सेक्रेटरी हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो ये डिक्लेरेशन बना सकते हैं। डिक्लेरेशन मस्ट सर्टिफाई दैट ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लाइड विद। और उस डिक्लेरेशन के अंदर क्या लिखा होना चाहिए कि कंपनीज एक्ट के इस सेक्शन के अंदर जो जो भी रूल्स और एलिजिबिलिटी जरूरी हैं, जो कंप्लाई करनी पड़ती हैं, जिन जिन रूल्स और रेगुलेशंस का कंप्लायंस करना पड़ता है वो सारे कंप्लायंस किए गए हैं ये कंपनी फॉर्म करते समय। ये डिक्लेरेशन उन्हें एक देना होता है और ये डिक्लेरेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल करना पड़ता है। ये होता है आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेप। फिर थर्ड स्टेप आता है आपका फ्लोटेशन। तो व्हेन अ कंपनी हैज बीन रजिस्टर्ड एंड हैज रिसीव्ड इट्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इट इज रेडी फॉर फ्लोटेशन, दैट इज टू से इट कैन गो अहेड विद रेजिंग कैपिटल सफिशिएंट टू कमेंस बिजनेस एंड टू कैरी ऑन इट सेटिस्फैक्टरीली। अब क्या होता है, जब एक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है उसे एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो फिर वो कंपनी फ्लोटेशन के लिए रेडी होती है। फ्लोटेशन का मतलब होता है अब वो चाहे तो कैपिटल रेज कर सकती है और अपने बिजनेस को रन करना शुरू कर सकती है। सेक्शन 70 मेक इट ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी पब्लिक कंपनी टू टेक आइदर ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेप्स। सेक्शन 70 है जो वो हर पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो कि उसे क्या कहता है कि फ्लोटेशन के अंदर उसे 2 स्टेप लेने ही लेने होंगे। क्या?
पहला इशू अ प्रोस्पेक्टस इन केस ऑफ अ पब्लिक टू इनवाइट सब्सक्राइब द इट्स कैपिटल। सबसे पहले उसे एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा जिसमें वो पब्लिक से शेयर के लिए पैसा कैपिटल रेज करेगी। फिर अगर सबमिट अ स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस इन केस कैपिटल हैज बीन अरेंज्ड प्राइवेटली इट इज डन एटलीस्ट 3 डेज बिफोर अलॉटमेंट। और अगर उन्होंने कैपिटल प्राइवेटली रेज कराया है, मतलब जनरल पब्लिक से पैसा नहीं लिया, खुद का पैसा या प्राइवेटली पैसा लिया है किसी से, तो उसकी एक स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस करके एक डॉक्यूमेंट होता है, वो फाइल करना होता है अलॉटमेंट से 3 दिन पहले। ठीक है, ये 2 स्टेप जरूर कंपलसरी करने होते हैं पब्लिक कंपनीज को। तो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन का। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, अवेलेबिलिटी ऑफ कंपनी नेम। तो सेक्शन 20 स्टेट दैट कंपनी कैन नॉट बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम व्हिच इज इन ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज अनडिजायरेबल, देयरफॉर इट इज एडवाइजेबल दैट प्रमोटर फाइंड आउट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रपोज्ड नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फॉर पर्पस 3 नेम इन ऑर्डर प्रायोरिटी शुड बी फाइल्ड। क्या बोला गया है, सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी ऐसा नाम नहीं रख सकती है अपनी कंपनी का जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नजर में अनडिजायरेबल हो, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट को नाम अच्छा ना लगे या फिर जो अनलॉफुल नेम हो। तो कोई भी कंपनी ऐसा नाम नहीं रख सकती है, इसी के लिए प्रमोटर को क्या बोला जाता है कि वो अपना नाम जो रखना चाहते हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास पहले नाम को चेक करवा लें और उन्हें 3 नेम्स देने होते हैं कंपनी के इन उसमें किस चीज में प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कि वो सबसे पहले क्या नाम रखना चाहते हैं। अगर वो नाम अवेलेबल ना हो तो किस नाम से कंपनी फॉर्म हो, और वो भी अवेलेबल ना हो तो 3rd नाम। ऐसे 3 नेम देने होते हैं प्रायोरिटी के लिस्ट में, जिससे क्या हो कोई भी ऐसी मिसयूजनेस ना हो कि कंपनी का नाम अनडिजायरेबल हो जाए या नाम अवेलेबल ही ना हो, इसलिए उन्हें 3 नाम सबमिट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। तो व्हेन द अफोरसेड डॉक्यूमेंट हैव बीन फाइल्ड विद रजिस्ट्रार एंड द नेसेसरी फीस पेड, जब जो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं वो रजिस्ट्रार के पास फाइल हो जाते हैं और जो जो नेसेसरी फीस सबमिट करनी होती है वो सारी फीस पेड कर दी जाती है। द रजिस्ट्रार विल इफ ही सेटिस्फाइड एंटर द नेम ऑफ कंपनी ऑन द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड मेंटेन हिम बाय हिम एंड देन विल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अंडर हिज सिग्नेचर इन टोकन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी ऑन डेट नोटेड ऑन इट। तो रजिस्ट्रार क्या करता है, अगर वो सारे उन डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई होता है, सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं, तो वो क्या करता है उस कंपनी का नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में इंक्लूड कर लेता है और उन्हें एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करके दे देता है जिसके अंदर क्या होता है डेट लिखी होती है जिस डेट से उनकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई होती है। दिस सर्टिफिकेट सर्व द सेम पर्पज इन केस ऑफ कंपनी विच इज बर्थ सर्टिफिकेट डज इट केस ऑफ अ नेचुरल पर्सन। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है वो क्या होता है, एक तरीके का बर्थ सर्टिफिकेट होता है किसी नेचुरल पर्सन का, उसी की तरह ये कंपनी का भी एक बर्थ सर्टिफिकेट कहलाता है। ठीक है, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव एविडेंस दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ऑफ मैटर प्रेसिडेंट एंड इंसिडेंटल देयर टू हैव बीन कंप्लाइड विद। जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है वो एक एविडेंस बनता है, कंक्लूसिव एविडेंस बनता है कि जो जो रिक्वायरमेंट थी कंपनीज एक्ट की वो सारी कंप्लाई करी गई हैं, इस कंपनी को बनाते समय उन सारी चीजों का अच्छे से ध्यान रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्री इनकॉर्पोरेशन और प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट किन्हें कहते हैं। तो वी हैव मेंशनड अर्लियर दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। द प्रोमोटर में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ प्रपोज्ड कंपनी बिफोर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस। क्या बोला गया है, जैसा कि आप सभी को पहले बताया गया है, जो कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो उसके बिहाफ पर प्रमोटर या डायरेक्टर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने से पहले या फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद बट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंस बिजनेस मिलने से पहले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रमोटर या डायरेक्टर एंटर करते हैं कंपनी के बिहाफ पर, वो सारे क्या कहलाते हैं, वो प्री इनकॉर्पोरेशन या प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। नाम से ही क्लियर है, कंपनी बनने से पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो वो सारे कहलाते हैं आपके प्रीलिमिनरी और प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। दस इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी फॉलोइंग आर 3 सिचुएशन व्हेन कॉन्ट्रैक्ट मे बी एंटर्ड इनटू। तो पब्लिक कंपनी के केस में 3 कंडीशन होती हैं जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इनकॉर्पोरेशन, अभी तक कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं करा है रजिस्ट्रार ने, लेकिन उससे पहले कंपनी के बिहाफ पर जो डायरेक्टर या प्रमोटर हैं वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं, तो वो कहलाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इनकॉर्पोरेशन। फिर कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बट बिफोर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस। सेकंड सिचुएशन होती है जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो मिल गया लेकिन सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस नहीं मिला है, और इस बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं डायरेक्टर या प्रोमोटर कंपनी के बिहाफ पर, तो वो भी ये आपका प्री इनकॉर्पोरेशन या प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाता है।
थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस। और थर्ड तरीके के जो होते हैं कमेंस बिजनेस के बाद मिलने का सर्टिफिकेट मिलने के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो दोस कॉन्ट्रैक्ट विच आर एंटर्ड इनटू बाय प्रोमोटर फॉर द इंटेंडेड कंपनी बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी नोन एज प्री इनकॉर्पोरेशन और प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस मिलने से पहले एंटर होते हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके प्रीलिमिनरी या प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। अब प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट नेवर बाइंड अ कंपनी सिंस अ पर्सन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिफोर हिज नोट्स एग्जिस्टेंस एंड अ कंपनी बिफोर इनकॉर्पोरेशन हैज नो लीगल एग्जिस्टेंस। लेकिन जो ये प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसके लिए कंपनी बाइंड नहीं होती है, इसके लिए जो प्रोमोटर या डायरेक्टर होते हैं वो बाइंड होते हैं क्योंकि अभी तक कंपनी तो फॉर्म हुई नहीं होती है, उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला होता। तो इसके लिए जो लायबल होते हैं वो प्रोमोटर या डायरेक्टर लायबल होते हैं अगर कुछ भी इनमें गड़बड़ी होती है। नेक्स्ट है द कॉन्ट्रैक्ट टेक इफेक्ट एज अ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन हु परपर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंपनीज बिहाफ। प्रोमोटर शैल बी लायबल टू पे डैमेजेस फॉर फेलियर टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड इन कंपनीज नेम। तो क्या बोला है, वही बोला है क्योंकि अभी तक कंपनी फॉर्म नहीं होती है तो जो पर्सन इन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा होता है वो पर्सनली लायबल होता है इसके लिए। जो प्रोमोटर होते हैं वो सारे डैमेजेस पे करेंगे अगर कुछ भी वो प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जो जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर हुए हैं कंपनी के बिहाफ पर। दिस शैल बी सो इवन वेयर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड दैट द कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी आंसरेबल फॉर परफॉर्मेंस। और ऐसा कब होता है, जब कोई ऐसी प्रोविजन ना डाली गई हो कि जो कंपनी की शेयर कैपिटल है वो लायबल होगी। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय क्या कर दिया हो, जो प्रोमोटर हैं या डायरेक्टर हैं उन्होंने क्या प्रोविजन डाल दी कि अगर इसका ये परफॉर्मेंस नहीं होती है जो ये हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसके लिए कंपनी की शेयर कैपिटल लायबल होगी, तो फिर वो शेयर कैपिटल लायबल होती है, वरना फिर वो प्रोमोटर या डायरेक्टर इंडिविजुअली लायबल होते हैं उनके लिए। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि आएगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज इट्स चार्टर विच कंटेन द फंडामेंटल कंडीशन अपॉन विच अलोन द कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी होता है उसे हम कंपनी का चार्टर भी कहते हैं, जिसके अंदर सारी फंडामेंटल कंडीशन दी गई होती हैं जो कि कंपनी के फॉर्म कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी इससे रिलेटेड। इट टेल्स अस द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनीज फॉर्मेशन एंड अटमोस्ट पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन बियॉन्ड विच इट्स एक्शन कैन नॉट गो। इसके अंदर क्या मेंशन होता है ये हमें बताता है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब किस पर्पस के लिए कंपनी बनाई गई है। अटमोस्ट पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन, इसके ऑपरेशन का क्या क्या स्कोप है, मतलब क्या क्या चीजें, क्या क्या काम ये कर सकती है, क्या क्या कितने हद तक एक बियॉन्ड पावर इसकी डिफाइन होती है कि इतनी पावर तक के डिसीजन कंपनी, मतलब इतने पावर तक के कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी एंटर कर सकती है जिसके बियॉन्ड जाकर कंपनी कोई काम नहीं कर सकती, वो सारी चीजें आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होती हैं। Thus it define as well as confines the power of company। तो ये हमें कंपनी की पावर के बारे में बताता है। If anything is done beyond this power that will be ultra-vires। अगर इससे बाहर जाकर कंपनी कोई भी काम करती है तो वो ultra-vires होता है, मतलब कंपनी की पावर के बाहर होता है और वो void कहलाता है। The memorandum serves two fold purpose। Wise it enables shareholder, creditor and all those who deal with company to know what is its power and or what is its range of activity। जो मेमोरेंडम होता है वो दो फोल्ड दो काम करता है, एक तो ये शेयर होल्डर और क्रेडिटर जो भी कंपनी के साथ डील करते हैं उन्हें बताता है कि कंपनी की पावर क्या है और किन किन एक्टिविटी में कंपनी काम करती है। दस द इंटेंडिंग शेयर होल्डर कैन फाइंड आउट द फील्ड इन और पर्पस ऑफ विच द मनी इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय द कंपनी एंड व्हाट रिस्क ही इज टेकिंग मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। तो इससे क्या होता है, जो भी शेयर होल्डर होते हैं उन्हें पता रहता है कि जो उनका पैसा है, मतलब जो वो पैसा लगा रहे हैं कंपनी के अंदर, उसका क्या यूज होने वाला है और उस पैसे पर उनको कितना रिस्क लेना है, मतलब कितना रिस्क उनको मिलने वाला है उस पैसे के ऊपर। तो ये सारी चीजें कहां से पता लगती हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ही पता लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल्सो एनी वन डीलिंग विद द कंपनी से या सप्लायर और गुड्स और मनी विल नो वेदर द ट्रांजेक्शन ही इंटेंडेड टू मेक विद द कंपनी इज विद इन द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी एंड नॉट अल्टरवाइज इट्स ऑब्जेक्ट। इसके अलावा और क्या काम होता है मेमोरेंडम से, जो सप्लायर होते हैं गुड्स या सर्विसेज के उन्हें भी पता होता है कि वो जिसे कंपनी के साथ डील कर रहे हैं या गुड्स अपनी दे रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, क्या उस कंपनी की इतनी पावर है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके। तो इससे उनको भी एक आइडिया मिल जाता है कि कहीं ये अल्ट्रा वायर तो नहीं है कंपनी के जो ये काम कर रही है, या तो ये सारी चीजें किससे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ही पता लगती हैं। ठीक है,
अब आएगा आपका फॉर्म्स एंड कंटेंट की जो मेमोरेंडम एंड ऑफ एसोसिएशन होता है उसकी क्या फॉर्म होती है, क्या क्या उसका कंटेंट होता है। तो सबसे पहले पब्लिकेशन ऑफ नेम, तो एवरी कंपनी शेल पेंट और अफिक्स इट्स नेम एंड एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड कीप द सेम प्रिंटेड और अफिक्स्ड ऑन द आउटसाइड एवरी ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ कॉन्स्पिशियस पोजीशन इन लेटर इजिली लेजिलेबल एंड इन द लैंग्वेज इन जनरल यूज इन द लोकेलिटी। जो भी कंपनी होगी वो अपने नाम को कहाँ कहाँ अफिक्स करवाएगी, मतलब कहाँ कहाँ लिखा होगा नाम, जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उस पर लिखा होगा उस कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, उसके अलावा कंपनी के जितने भी ऑफिस हैं जहाँ से कंपनी काम करती है उन सभी पर कंपनी का नाम और कंपनी का ऑफिस लिखा होगा। कैसे लिखा होगा, लेग्लिजिबल लैंग्वेज में लिखा होगा, मतलब ऐसी लैंग्वेज में लिखा होगा पढ़ा जाए आराम से, और सही लैंग्वेज में लिखा होगा जो उस लोकेलिटी में लैंग्वेज यूज होती है उस लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। उसके अलावा हैव इट्स नेम इनग्रेव इन लेग्लिजिबल कैरेक्टर ऑन सील, जो कंपनी की सील होगी उसके ऊपर उसका नाम इनग्रेव होना चाहिए कंपनी का। थर्ड अगेन हैव इट्स नेम एंड एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस मेंशन्ड इन लेग्लिजिबल कैरेक्टर इन ऑल बिजनेस लेटर बिल्स हेड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इनवॉइसेस रिसिप्ट एटसेट्रा ऑफ द कंपनी। उसके अलावा कंपनी के जितने भी बिजनेस लेटर होंगे, बिल्स के हेड होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनवॉइसेस होते हैं, रिसिट होती हैं, उन सभी के ऊपर लेग्लिजिबल लैंग्वेज में कंपनी का नाम मेंशन होना जरूरी है, ठीक है। फिर आता रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है मेमोरेंडम के अंदर, द क्लॉज स्टेट दैट नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड। ये क्लॉज क्या बताता है, उस स्टेट का नेम बताता है जिस स्टेट के अंदर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होता है। एवरी कंपनी मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस विच स्टेबलाइज इट डोमिसाइल एंड इट ऑल्सो द एड्रेस एट विच कंपनी स्टेटरी बुक मस्ट नॉर्मली बी कैप्ट एंड टू विच नोटिसज एंड अदर कम्युनिकेशन कैन बी सेंट। हर कंपनी को अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस स्टेबलाइज करना होता है किस जगह पर, जहाँ पर वो कंपनी फॉर्म हुई होती है उस प्लेस पर, जिस जहाँ पर सारे उसकी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो रखे जाएंगे, और उसके अलावा अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को या किसी को भी कोई नोटिस देना है तो वो उसी एड्रेस पर दिया जाएगा, वो कहलाता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ठीक है। थर्ड चीज होती है मेमोरेंडम के अंदर द ऑब्जेक्ट क्लॉज, द ऑब्जेक्ट क्लॉज डिफाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी एंड इंडिकेट द स्फीयर ऑफ इट्स एक्टिविटी। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या बताता है, ये कंपनी के ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है कि किन किन एक्टिविटीज में कंपनी डील करने वाली है, क्या क्या काम कंपनी करेगी। अ कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग बियॉन्ड और आउटसाइड इट्स ऑब्जेक्ट एंड एनी एक्ट डन बियॉन्ड देम विल बी अल्ट्रा वायरस। कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो एक्टिविटी मेंशन है उसके अलावा कोई भी अगर काम कंपनी करती है तो वो अल्ट्रा वायर कहलाएगा काम, मतलब उसकी पावर के बाहर जाकर करा है और वो काम वॉइड हो जाएगा। एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन बाय एसेंट ऑफ होल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर, और उस काम को फिर हम ठीक नहीं कर सकते, मतलब उसे लीगल वर्क नहीं बना सकते हैं चाहे हम सारे ही शेयर होल्डर की एसेंट क्यों ना रहे। द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी मस्ट नॉट बी इलीगल इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट। जो कंपनी का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब कंपनी को फॉर्म करने का पर्पस होना चाहिए, वो कैसा नहीं होना चाहिए, ना तो इलीगल होना चाहिए, ना इमोरल होना चाहिए, ना ही पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होना चाहिए। ये होता है आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब फोर्थ है मेमोरेंडम के अंदर होता है आपका लायबिलिटी क्लॉज का, तो क्लॉज स्टेट द नेचर ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर। ये क्या बताता है कि मेंबर की कितनी लायबिलिटी है उसके बारे में बताता है। इन केस ऑफ अ कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी इट मस्ट स्टेट दैट लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड वेदर इट बी लिमिटेड बाय शेयर और बाय गारंटी। दिस मींस दैट इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर अ मेंबर कैन बी कॉल्ड अपॉन एट एनी टाइम टू पे द कंपनी द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है तो वो दो टाइप की हो सकती है, या तो लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी। तो अगर जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसके अंदर क्या होता है, मेंबर्स को जितना पैसा शेयर्स के ऊपर बाकी रह जाता है उतने अमाउंट तक लायबल होते हैं मेंबर, उससे ऊपर की अमाउंट के लिए लायबल नहीं होते। मान लीजिए अगर 10 रुपए का शेयर है उस पर मेंबर ने 2 रुपए दे रखे हैं तो सिर्फ 8 रुपए और देने के लिए मेंबर्स लायबल होंगे, उसके ऊपर कोई पैसा मेंबर्स को नहीं देना होगा। वहीं इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी द क्लॉज विल स्टेट द अमाउंट व्हिच एवरी मेंबर अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू एसेट ऑफ कंपनी इन इवेंट ऑफ इट्स वाइंडिंग अप। वहीं अगर कंपनी हैगी जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसके अंदर क्या होता है, मेमोरेंडम के अंदर अमाउंट मेंशन होती है कि किस मेंबर की कितनी लायबिलिटी की गारंटी दे रखी है मेंबर ने, और अगर वाइंडिंग अप के टाइम पर जरूरत पड़ती है तो उस मेंबर से उतनी अमाउंट तक की मनी मंगवाई जा सकती है। तो ये होता है आपका लायबिलिटी क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका द कैपिटल क्लॉज, तो दिस क्लॉज स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड एंड द मोड ऑफ इट्स डिवीजन इनटू शेयर ऑफ फिक्स्ड वैल्यू। कैपिटल क्लॉज के अंदर क्या होता है कि जो शेयर कैपिटल है कंपनी की वो कितनी अमाउंट की होगी और जो इसमें शेयर्स डिवाइड हो रखे होंगे उनकी फिक्स्ड वैल्यू क्या होगी।
दैट इज द नंबर ऑफ शेयर इनटू व्हिच द कैपिटल इज डिवाइडेड द अमाउंट ऑफ ईच नंबर ऑफ शेयर। इसके अंदर क्या होता है, कैपिटल को कितने शेयर्स में डिवाइड कर रखा होता है ये मेंशन होता है, और हर शेयर की क्या वैल्यू है ये भी मेंशन होता है। If there are both equity and preference share, then the division of capital is shown under these two heads. और अगर कंपनी के पास दोनों इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों शेयर हैं, तो जो डिवीजन शो कर रखा होगा वो दोनों शेयर का दोनों हेड के अंदर शो कर रखा होगा, इक्विटी का अलग और प्रेफरेंस का अलग। सिक्स्थ होता है मेमोरेंडम के अंदर द एसोसिएशन क्लॉज। तो एट द एंड ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एवरी कंपनी देयर इज एन एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज और अ डिक्लेरेशन ऑफ एसोसिएशन विच रीड समथिंग लाइक दिस। हर मेमोरेंडम जहां पर खत्म होता है टोटल तो 6 क्लॉज होते हैं मेमोरेंडम के अंदर जो आपको दिए गए हैं। छठे क्लॉज हमेशा क्या होता है, एसोसिएशन क्लॉज होता है, या फिर जिसे सब्सक्रिप्शन या डिक्लेरेशन क्लॉज भी कहा जाता है, जिसके अंदर क्या डिक्लेरेशन दिया होता है, वी द सेवरल पर्सन हुज नेम एंड एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन आर सब्सक्राइब्ड आर डिजायरस ऑफ बीइंग फॉर्मड इनटू अ कंपनी इन परसेंस ऑफ दिस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड वी रिस्पेक्टिवली एग्री टू टेक द नंबर ऑफ शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी सेट अपोजिट अवर रिस्पेक्टिव नेम। एक ही डिक्लेरेशन होता है जिसमें मेंबर डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं कि हम जो ये लोग जिनका नाम मेंशन हैगा, एड्रेस मेंशन है और ऑक्यूपेशन मेंशन है मेमोरेंडम के अंदर, वो इस मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते हैं और एक कंपनी फॉर्म करने के लिए डिजायर रखते हैं। हमने कितने कितने शेयर्स ले रखे हैं वो हमारे नेम के अपोजिट में हमें दिए गए हैं, उसके लिए हम एग्री करते हैं, ये आपका एसोसिएशन क्लॉज होता है। इसके बाद ये तो हो गया आपका मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या क्लॉज होते हैं। अब आता है अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, मतलब अगर कभी मेमोरेंडम को चेंज करना पड़े, मेमोरेंडम के अंदर कुछ कुछ चेंजेस करने पड़े, अल्टरेशन का मतलब होता है चेंजेस करना, तो वो कैसे कैसे किए जा सकते हैं। तो सेक्शन 16 प्रोवाइड दैट कंपनी कैन नॉट अल्टर द कंडीशन कंटेन्ड इन मेमोरेंडम एक्सेप्ट इन केस इन द मोड एंड टू द एक्सटेंट एक्सप्रेस प्रोविजन हैव बीन मेड इन दिस एक्ट। तो सेक्शन 16 के अंदर कोई भी कंपनी सिर्फ उतनी ही एक्सटेंट तक मेमोरेंडम को एक तरीके से अल्टर कर सकती है जितना एक्ट के अंदर दिया गया है, उससे ज्यादा कोई भी मेमोरेंडम के अंदर चेंजेस नहीं कर सकती एक बार बनने के बाद, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको नेम चेंज करना है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, तो देखिए सेक्शन 21 प्रोवाइड दैट नेम ऑफ कंपनी मे बी चेंज्ड एट एनी टाइम बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड विद द रिटन अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग कंपनी को अगर अपना नाम चेंज करना है तो कंपनी वो कभी भी कर सकती है, एक स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग के अंदर पास करना होगा, लेकिन उससे पहले उसका एक रिटन अप्रूवल लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। हाउएवर नो अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नेसेसरी इफ द चेंज ऑफ नेम इन्वॉल्व ओनली एडिशन और डिलीटेशन ऑफ द वर्ड प्राइवेट। अगर अल्टरेशन में सिर्फ इतना है कोई कंपनी प्राइवेट से पब्लिक हुई है या पब्लिक से प्राइवेट हुई है तो उसे या तो प्राइवेट वर्ड ऐड करना है या रिमूव करना है, अगर सिर्फ इतना अल्टरेशन है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। द चेंज ऑफ नेम मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन 30 days ऑफ द चेंज। जो ये नेम में चेंज किया जा रहा है वो 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बताना होगा इसके बारे में। The registrar shall then enter the new name of on the register in the place of old name and shall issue a fresh certificate of incorporation with necessary alteration. तो registrar क्या करेगा, इस नए name को पुराने name की जगह replace कर देगा और एक नया certificate of incorporation alteration के बाद issue करके दे देगा। The change of name become the effective on issue of fresh certificate of incorporation। और नया नाम कब से माना जाने लग जाएगा, जब से वो न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को मिल जाता है तब से ही वो न्यू नेम एप्लीकेबल हो जाता है। हाउएवर चेंज ऑफ नेम शैल नॉट इफेक्ट एनी राइट और ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी और रेंडर डिफेक्टिव एनी लीगल प्रोसीडिंग विच माइट हैव बीन कंटिन्यूड और कमेंस्ड बाय और अगेंस्ट द कंपनी बाय इट्स फॉर्मर नेम मे बी कंटिन्यूड बाय अगेंस्ट द न्यू नेम। क्या बोला है, इस नेम की चेंज होने की वजह से जो भी कंपनी के राइट्स या ऑब्लिगेशन थे उनमें कोई चेंज नहीं आता है। अगर कंपनी के पुराने नाम से कोई लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, मतलब कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है कंपनी का पुराने नाम से, तो वो केस नए नाम में कंटिन्यू रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। विद इन 30 days ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन अ प्रिंटेड और टाइप रिटन कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन शुड ट्रेंड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और स्पेशल रेजोल्यूशन के 30 दिन के अंदर अंदर, जब से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा है नेम चेंज करने का, उसके 30 दिन के अंदर अंदर एक रिटन कॉपी रेजोल्यूशन की रजिस्ट्रार के पास भेजनी होती है कंपनी को, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है आपका अगर नेम के अंदर आपको अल्टरेशन करना है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर चेंजेस करने हैं तो द प्रोसीजर डिपेंड अपॉन वेदर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सेम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी और वेदर द शिफ्टिंग इज टू बी ज्यूरिडिक्शन ऑफ अनदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इन द सेम स्टेट। दिस में इंक्लूड, अब क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस में कुछ चेंज करना है तो रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, या तो सेम रजिस्ट्रार के ज्यूरिडिक्शन के अंदर थोड़ा सा ही कुछ चेंज हो रहा है, एक जगह से ऑफिस दूसरी जगह जा रहा है लेकिन रजिस्ट्रार सेम रह रहा है, या फिर क्या चेंज हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रार ही चेंज हो रहा है, आपने एक जगह से काफी दूसरी जो जगह है
वो काफी दूर है जहां पर दूसरे रजिस्ट्रार का ऑफिस लग जाता है, तो उस जगह पर आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का जो ज्यूरिडिक्शन है वो भी चेंज हो रहा होता है। तो ये दो तरीके होते हैं, तो इसके लिए देखिए क्या क्या प्रोविजन है। पहला है चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्रमाइस टू अनदर प्रमाइस इन द सेम टाउन सिटी और विलेज। अगर आप सेम टाउन सेम सिटी और सेम विलेज के अंदर रजिस्टर ऑफिस चेंज कर रहे हैं सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह, तो उसका क्या प्रोसीजर, द कंपनी में डू सो एनी टाइम, तो ऐसा कंपनी कभी भी कर सकती है, अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी सफिशियंट। इसके लिए सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। However, a notice of change should within 30 days after the date of change be given to registrar who shall record the same. लेकिन जब ये रेजोल्यूशन पास हो जाए और रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो जाए तो 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इसके बारे में कम्युनिकेशन करना पड़ता है, जिससे क्या करे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो इस चेंज को अपने रजिस्टर्स में नोट कर ले। सेकेंड कंडीशन होती है चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन टाउन और सिटी विलेज टू अनदर टाउन सिटी और विलेज इन द सेम स्टेट, इन दिस केस द प्रोसीजर इज। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, आपने सेम एक टाउन सिटी या विलेज से दूसरे टाउन सिटी या विलेज में शिफ्ट कर लिया है, लेकिन जो आपकी स्टेट है वो स्टेट सेम है, एक ही स्टेट के अंदर आपने टाउन चेंज करा है, सिटी चेंज करी है या विलेज चेंज करा है, तो उसके अंदर प्रोसीजर देखिए, अ स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड एट जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अ कंफर्मेशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर इज टू बी ऑब्टेन्ड, रीजनल डायरेक्टर की एक कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। अ कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन एंड कंफर्मेशन बाय रीजनल डायरेक्टर इज टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज। और जो ये स्पेशल रिजोल्यूशन है और कंफर्मेशन ली है रीजनल डायरेक्टर की, उसकी कॉपी को 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ेगा। विद 30 डेज ऑफ द रिमूवल ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस नोटिस ऑफ न्यू लोकेशन इज गिवन टू रजिस्ट्रार हु शैल रिकॉर्ड द सेम। और जब रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो जाता है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर नई लोकेशन के बारे में रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा, जो कि इसको मेंशन कर लेगा अपने रिकॉर्ड्स में। फिर आती है आपकी थर्ड कंडीशन, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप शिफ्ट कर रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस को, तो सेक्शन 17 प्रोवाइड फॉर द शिफ्ट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड शिफ्ट इन्वॉल्व अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। अगर तो सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग ये शिफ्टिंग होगी और इससे क्या होता है, मेमोरेंडम के अंदर अल्टरेशन की जाएगी। द चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर सेम सिटी और वन सिटी टू अनदर इन द सेम स्टेट डज नॉट इन्वॉल्व अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। अभी जो आपको ऊपर दो कंडीशन बताई, सेम सिटी मतलब सेम सिटी टाउन विलेज में शिफ्ट हो रहा है या एक सिटी से दूसरी सिटी में हो रहा है लेकिन स्टेट सेम है, तो ये दोनों जो कंडीशन है ये आपके मेमोरेंडम को एल्टर नहीं करती है। लेकिन अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जा रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस को, तो ये आपका मेमोरेंडम का अल्टरेशन कहलाता है। द शिफ्ट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर कैन बी डन बाय स्पेशल रिजोल्यूशन विच इज रिक्वायर्ड टू कंफर्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और उसका अप्रूवल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर कंफर्मिंग द रिजोल्यूशन विल सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट सफिशियंट नोटिस हैज बीन गिवन टू एवरी क्रेडिटर एंड ऑल अदर पर्सन हु इंटरेस्ट आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अल्टरेशन इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी एंड द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसका अप्रूवल देने से पहले क्या कंफर्म करेगी कि जो जो भी उसके क्रेडिटर हैं या जो भी पर्सन जो कि अफेक्ट हो सकते हैं इस अल्टरेशन से, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस के शिफ्ट होने से, क्या उन सभी को एक सफिशियंट नोटिस भेजा है कंपनी ने कि हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं। अगर ऐसा भेजा है तो गवर्नमेंट उसे अप्रूवल दे देगी रिजोल्यूशन पास करने का, वरना रिजोल्यूशन पास करने का अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। Also, the central government will give the opportunity to member and creditor of company, the registrar and other person interested in company to be heard. The central government may confirm the resolution on terms and condition as may think fit. और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारी चीजें देखने के बाद जैसा उन्हें सही लगेगा उस हिसाब से अपनी कंफर्मेशन दे देगी। अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज की जो मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, अगर उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, तो सेक्शन 17 इंपावर द कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन टू अल्टर द ऑब्जेक्ट और चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इफ द अल्टरेशन इज सर्वड एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। क्या बोला है, सेक्शन 17 है वो पावर देता है कंपनी को कि कंपनी चाहे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपने कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज को और अपने कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को दोनों को चेंज कर सकती है। उसके लिए क्या क्या जरूरत है, देखिए, टू कैरी ऑन बिजनेस मोर इकोनॉमिकली एंड मोर एफिशियंटली, जो पर्पस होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करने का वो क्या होना चाहिए कि जो बिजनेस करना है वो और मोर इकोनॉमिकली और मोर इफिशियंटली तरीके से करना है, इसलिए ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज कर रहे हो। टू अटेन इट्स मेन पर्पस बाय न्यू और इम्प्रूव्ड मींस, जो उसका पर्पस देगा कंपनी का वो अचीव करना है नए तरीके से।
टू इनलार्ज और चेंज द लोकल एरिया ऑफ इट्स ऑपरेशन, जो कंपनी के बिजनेस का लोकल एरिया है उसको बढ़ाना है, इसलिए आप ये ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज कर रहे हो। टू कैरी ऑन सम बिजनेस विच अंडर एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसिस मे बी कन्वीनियंटली और एडवांटेजियसली कंबाइंड विद द बिजनेस ऑफ कंपनी, कोई नया और साथ में बिजनेस करना है इसी बिजनेस के अंदर जिससे ये इस बिजनेस को और फायदा हो सके, इसलिए आपको अल्टरेशन करना है ऑब्जेक्ट क्लॉज को। टू रिस्ट्रिक्ट और अबंडन एनी ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बता रखा है, पर्पस बता रखा है कंपनी का, लेकिन उसे अब खत्म करना है इसलिए अल्टरेशन कर रहे हो। टू सेल और डिस्पोज ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग, आपका जो बिजनेस है आप या तो उसे पूरा बेच रहे हो या उसका कुछ पार्ट बेच रहे हो, इसलिए आप अल्टरेशन करना चाहते हो। अगर इनमें से कोई रीजन है तो आप अल्टरेशन कर सकते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन की मदद से, ठीक है। लास्ट का जो अल्टरेशन का है इसमें वो है अल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज ऑफ द कंपनी। तो द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी इंक्रीज्ड अनलेस द मेंबर एग्री इन राइटिंग, जो कंपनी के मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी को हम तब तक नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक वो कंपनी के मेंबर राइटिंग में ना दे दे उसके लिए एग्री। द कंसेंट ऑफ मेंबर में हाउएवर बी गिवन आइदर बिफोर और आफ्टर द अल्टरेशन, जो ये मेंबर की कंफर्म कंसेंट है वो आप कभी भी दे सकते हैं रजिस्ट्रार को, या तो अल्टरेशन से पहले या अल्टरेशन से बाद में, लेकिन ये रिटर्न कंफर्मेशन लेनी पहले जरूरी है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी मे बी बाय वे ऑफ सब्सक्राइबिंग फॉर मोर शेयर देन द नंबर हेल्ड बाय देम एट द डेट ऑन विच द अल्टरेशन इज मेड और एनी इन अदर मैनर, जो लाइबिलिटी है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है, जो आपके नंबर ऑफ शेयर अभी तक मेंबर ने हेल्ड कर रखे थे या तो वो और शेयर परचेज कर लें, इस तरीके से उनकी लाइबिलिटी को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपने लाइबिलिटी क्लॉज को अल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मेमोरेंडम का सारा कंसेप्ट खत्म हो जाता है। अब आती है आपको कुछ डॉक्ट्रिन्स देखने हैं, डॉक्ट्रिन कह सकते हैं एक तरीके से जो एक्ट लॉ देंगे थ्योरी देंगी वो देखनी है। तो पहला आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स, ये क्या कहता है, अल्ट्रावायर्स मीन्स बियॉन्ड पावर। अल्ट्रावायर्स का मतलब क्या होता है, किसी की पावर से आगे बियॉन्ड जाकर कोई काम करना वो कहलाता है अल्ट्रावायर। मीन्स एनी एक्ट डन बाई कंपनी बियॉन्ड इट्स लीगल पावर एंड अथॉरिटी, कंपनी के केस में अल्ट्रावायर्स का क्या मतलब है, कोई भी ऐसा काम जो कंपनी करती है अपनी पावर और अथॉरिटी से बाहर जाकर, उस चीज को अल्ट्रावायर्स कहा जाता है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द कंपनी हैज एन इंडिपेंडेंट लीगल एग्जिस्टेंस एंड इज सेपरेट बॉडी कॉर्पोरेट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, द कंपनी कैन देयरफॉर परफॉर्म एक्ट ऑन इट्स ओन, ये देखा गया है कि जो कंपनी है उसकी एक अपनी लीगल एग्जिस्टेंस होती है और वो एक सेपरेट बॉडी कॉर्पोरेट होती है, अपने मेंबर से अलग होती है, तो कंपनी चाहे तो अपने आप से कोई भी काम मतलब अपना कोई भी एक्ट कर सकती है खुद के नाम पर। एनी एक्ट डन बाई कंपनी विच इज नाइदर ऑथराइज्ड बाई इट्स ऑब्जेक्ट नॉर बाई कंपनीज एक्ट इज अल्ट्रावायर द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द कंपनी, लेकिन अगर कोई कंपनी कोई भी ऐसा एक्शन लेती है या कोई एक्ट करती है जो कि ना तो उसके आर्टिकल या मेमोरेंडम के अंदर दिया गया है ऑब्जेक्ट में और ना ही कंपनीज एक्ट के अंदर उसे वो पावर दी गई है, तो ऐसा कोई भी काम अगर कंपनी करती है तो वो अल्ट्रावायर कहलाता है। एन एक्ट विच इज अल्ट्रावायर द कंपनी इज वॉइड एंड कैन नॉट बाइंड द कंपनी, तो कोई भी ऐसा एक्ट जो कंपनी की पावर के बाहर जाकर किया जाता है वो अल्ट्रावायर होता है और उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होती है, क्योंकि कंपनी के बिहाफ पर कोई भी एक्ट कौन करता है, जो डायरेक्टर ऑफिसर्स और एम्प्लॉय होते हैं वो करते हैं, और अगर वो कंपनी का नाम लेकर कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं जो कंपनी की पावर के लिए बाहर है तो उसके लिए कंपनी कोई भी लायबल नहीं होगी, उसके लिए वो इंडिविजुअली लायबल होते हैं। सिंस द एक्ट इज वॉइड इट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर आइदर, तो जो ये एक्ट है वो वॉइड हो जाता है मतलब इलीगल हो जाता है और अब इसे कौन शेयर होल्डर भी रेटिफाई नहीं कर सकते हैं। एन एक्ट एन अल्ट्रावायर्स कॉन्ट्रैक्ट बीइंग वॉइड एब इनिशियो कैन नॉट बिकम अल्ट्रावायर्स बाय रीजन ऑफ एस्टोपल लैप्स ऑफ टाइम रेटिफिकेशन एक्विएंसेंस और डिले, जो एक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड एब इनिशियो होता है मतलब इलीगल होता है स्टार्टिंग से ही, तो उसको इंट्रावायर्स नहीं किया जा सकता ना तो एस्टोपल की वजह से, ना लैप्स ऑफ टाइम की वजह से, ना रेटिफिकेशन की वजह से, किसी भी तरीके से उसे ठीक नहीं किया जा सकता। एन एक्ट अल्ट्रावायर द पावर ऑफ डायरेक्टर बट नॉट अल्ट्रावायर द कंपनी कैन बी रेटिफाइड बाई शेयर होल्डर, अगर कोई ऐसा काम है जो डायरेक्टर की पावर के बाहर है लेकिन कंपनी की पावर के अंदर है और डायरेक्टर्स ने कर दिया है तो उसे शेयर होल्डर रेटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा एक्ट है जो कंपनी की पावर के बाहर है उसे शेयर होल्डर भी रेटिफाई नहीं कर सकते मतलब सही नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली एन एक्ट अल्ट्रावायर द आर्टिकल ऑफ कंपनी बट द पावर ऑफ मेमोरेंडम कैन बी रेटिफाइड बाई अल्टरिंग द आर्टिकल, वहीं बोला है कि अगर कोई ऐसा एक्ट है मतलब ऐसा काम है जो कंपनी के आर्टिकल की पावर के तो बाहर है लेकिन मेमोरेंडम के अंदर जो पावर मेंशन है उसके अंदर है
तो इस केस में हम आर्टिकल को एल्टर करके उस एक्ट को इंट्रावायर करवा सकते हैं, मतलब लीगल करवा सकते हैं। लेकिन अगर मेमोरेंडम की पावर के भी बाहर जाकर कोई काम करा है कंपनी के बिहाफ पर, तो फिर उसे किसी भी तरीके से रेटिफाई मतलब इलीगल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। The rationale behind this doctrine is that since the company is an artificial legal person, the director cannot buy the company by such act which are not within the scope or activity of the company. इस डॉक्ट्रिन का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि जैसे कि सभी को पता है कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो कंपनी के बिहाफ पर डायरेक्टर उसके सारे डिसीजन लेते हैं। तो डायरेक्टर कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले ले जिसकी वजह से कंपनी को लायबल होना पड़े, जो कि कोई ऐसा काम ना कर दे जो कि कंपनी की पावर के बाहर था, फिर भी डायरेक्टर ने कंपनी का नाम लेकर कर दिया है और बाद में उसके लिए कंपनी को लायबल ठहराया जाए, तो ऐसा कुछ भी ना हो, इसलिए ये एक्ट इंट्रोडक्शन लाया गया था इस एक्ट का। इफ दे डू सो देन इट विल लीड द फॉलोइंग कंसीक्वेंसेस, इन अदर वर्ड द इफेक्ट ऑफ सच एक्ट आर एज फॉलोज। अगर डायरेक्टर ऐसा करते हैं कि कंपनी के पावर के बाहर जाकर कोई भी एक्ट कर देते हैं जिसके लिए कंपनी लायबल नहीं होती है, तो उसके क्या कंसीक्वेंसेस होते हैं, तो दीज एक्ट आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। तो जो वो काम किया गया है वो कंपनी को बाइंड नहीं करेगा, मतलब कंपनी उसके लिए लायबल नहीं होगी। द कंपनी कैन नॉट सू और सूड बाय थर्ड पार्टी फॉर दीज कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो उसके लिए ना तो कंपनी के ऊपर कोई केस फाइल कर सकता है, ना कंपनी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है। द मेंबर कैन ऑब्टेन एन इंजंक्शन ऑर्डर एंड रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम डूइंग अल्ट्रावायर एक्ट। जो मेंबर हैं वो एक इंजंक्शन ऑर्डर पास करके कंपनी को ऐसा करने से रोक भी सकते हैं। द डायरेक्टर आर पर्सनली लायबल फॉर सच एक्ट। जो डायरेक्टर होंगे वो इस एक्ट के लिए खुद पर्सनली लायबल होते हैं। हाउएवर एक्ट विच आर विद इन द पावर ऑफ कंपनी बट बियॉन्ड द पावर ऑफ डायरेक्टर कैन बी रेटिफाइड एट जनरल मीटिंग। वही बोला है, लेकिन अगर जो एक्ट है वो डायरेक्टर की पावर के बाहर है लेकिन कंपनी की पावर के अंदर है, तो जनरल मीटिंग में उसे रेटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ अल्ट्रावायर एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फॉलोइंग द लीगल प्रोसीजर देन इट इज डली वेस्टेड इन द कंपनी, दैट इज द कंपनी कैन एंजॉय द राइट ऑफ ओइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। क्या बोला है, अगर अल्ट्रावायर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी गई है और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है लीगल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कंपनी के नाम पर, तो जो कंपनी है उसके पास सारे उसके राइट आ जाते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ करने के राइट कंपनी के पास आ जाते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। इन केस ऑफ अल्ट्रावायर कॉन्ट्रैक्ट सिंस दीज एक्ट आर वॉइड एब इनिशियो सो दे कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, हाउएवर द फॉलोइंग टू पॉइंट मस्ट बी नोटेड इन दिस रिस्पेक्ट। क्या बोला गया है, जो अल्ट्रावायर एक्ट होते हैं वो स्टार्टिंग से ही इलीगल होते हैं, वॉइड होते हैं, इसलिए उन्हें इन्फोर्स किए ही नहीं जा सकता है। इन केस ऑफ अल्ट्रावायर लैंडिंग बाय कंपनी द कंपनी कैन फाइल अ सूट एंड रिकवर इट। अगर अल्ट्रावायर लैंडिंग करी है मतलब कंपनी की पावर में जितना नहीं था उससे ज्यादा पैसा लैंड कर दिया है डायरेक्टर ने, तो कंपनी उसके लिए केस फाइल कर सकती है और उस पैसे को वापस रिकवर कर सकती है, ठीक है। ये कंसिक्वेंसेज हो जाते हैं अगर कोई भी अल्ट्रावायर एक्ट डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पर कर देते हैं। यहाँ पर आपका ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो देखना है हमें वो हैगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। तो देखिए, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एंड इट्स बायलॉ आर रेगुलेशन विच गवर्न द मैनेजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर एंड द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। आर्टिकल क्या होता है, जो कंपनी का वो एक बायलॉ होता है जिसके अंदर कंपनी के सारे लॉज एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं और जो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को बिजनेस के कंडक्ट को गवर्न करता है, मतलब चलाता है। जितने भी कंपनी के इंटरनल अफेयर्स होते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट होता है कंपनी का बिजनेस मैनेजमेंट होता है, वो सारे किसके थ्रू चलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो जो चीजें लॉज रेगुलेशन मेंशन होते हैं उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। दे डिफाइन द ड्यूटीज राइट्स पावर एंड अथॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर एंड द डायरेक्टर इन देयर रिस्पेक्टिव कैपेसिटी एंड ऑफ द कंपनी एंड द मोड एंड फॉर्म इन विच द बिजनेस ऑफ कंपनी टू बी कैरिड आउट। ये क्या बताता है, जो भी डायरेक्टर हैं शेयर होल्डर हैं उनके ड्यूटीज राइट्स पावर और अथॉरिटी क्या क्या है, ये सारी चीजें बताता है। उसके अलावा कंपनी की पावर राइट्स और ड्यूटीज बताते हैं और कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरीके से चलेगा, ये सारी चीजें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन होती हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देखिए, इंस्पेक्शन ऑफ कॉपीज ऑफ आर्टिकल, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसको कौन कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, तो अ कंपनी शैल ऑन बीइंग सो रिक्वायर्ड बाय मेंबर सेंड टू हिम विद इन 7 डेज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑन पेमेंट ऑफ 1 रुपी अ कॉपी ऑफ द आर्टिकल।
क्या बोला है, अगर कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो डिमांड करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपीज, तो कंपनी को वो कॉपीज देनी पड़ेगी 7 दिनों के अंदर अंदर मेंबर्स को, जितनी भी उनकी फीस है उसके अकॉर्डिंग। इफ अ कंपनी मेक डिफॉल्ट द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन अप टू 50। अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती है तो कंपनी और हर ऑफिसर जो ऐसा करने में लायबल मतलब डिफॉल्ट कर जाता है, वो कॉपीज को प्रोवाइड नहीं करता है मेंबर को, वो 50 रुपए तक का फाइन उस पर लग सकता है, इसके लिए वो पनिशेबल होगा। आर्टिकल ऑफ अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, जो कंपनी का जैसे हम मेमोरेंडम को अल्टर करते हैं वैसे आर्टिकल को कैसे कैसे अल्टर कर सकते हैं, तो सेक्शन 31 प्रोवाइड द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट टू द कंडीशन कंटेंड इन इट्स मेमोरेंडम अ कंपनी में बाय स्पेशल रिजोल्यूशन अल्टर और ऐड टू इट्स आर्टिकल। क्या बोला है, सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि मेमोरेंडम के अंदर ये चीज मेंशन होती है कि कंपनी अपने आर्टिकल को अल्टर कर सकती है या नहीं कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी सिंपल स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कंपनी के आर्टिकल को अल्टर कर सकती है, उसमें कुछ भी चीज ऐड कर सकती है। अ प्रिंटेड और टाइप रिटन कॉपी ऑफ एवरी स्पेशल रिजोल्यूशन अल्टरिंग द आर्टिकल मस्ट बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग द सच रिजोल्यूशन। अगर कंपनी अपने आर्टिकल को अल्टर करती है तो 30 दिनों के अंदर अंदर एक प्रिंटेड कॉपी उस अल्टरेशन की, मतलब जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा है अल्टरेशन के लिए, उस रेजोल्यूशन की कॉपी रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी होती है कंपनी को 30 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑन पावर टू अल्टर आर्टिकल एंड दीज आर, अब कुछ लिमिटेशंस लगाई गई हैं कब कब कंपनी अपने आर्टिकल को अल्टर नहीं कर सकती है। तो नंबर 1 है द अल्टरेशन मस्ट नॉट एक्सीड द पावर गिवन बाय द मेमोरेंडम और कंफ्लिक्ट विद अदर प्रोविजन ऑफ द मेमोरेंडम। क्या बोला है, आर्टिकल के अंदर कोई भी ऐसी पावर को नहीं बढ़ाया जा सकता है जो कि मेमोरेंडम की पावर से ज्यादा हो जाए, मतलब मेमोरेंडम के अंदर किस चीजों की कुछ पावर दी गई है उससे ज्यादा आर्टिकल के अंदर की पावरों को नहीं किया जा सकता है, या फिर अगर कोई ऐसी प्रोविजन डाल रहे हो आर्टिकल के अंदर कि जो कि मेमोरेंडम की प्रोविजन के साथ कंफ्लिक्ट कर जाए, अगेंस्ट चली जाए उसके, ऐसी कोई भी अल्टरेशन आप नहीं कर सकते आर्टिकल के अंदर। फिर द आर्टिकल मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद एनी प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट और एनी अदर स्टैट्यूट, जो आप अल्टरेशन कर रहे हो वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी और कंपनीज एक्ट की प्रोविजन या किसी और एक्ट की प्रोविजन के साथ कंफ्लिक्टेशन नहीं होना चाहिए उस अल्टरेशन का। नेक्स्ट है द अल्टर्ड आर्टिकल मस्ट नॉट इंक्लूड एनीथिंग विच इज इलीगल अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और अनलॉफुल, जो आर्टिकल में अल्टरेशन कर रहे हो वो इलीगल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होनी चाहिए और अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है द अल्टरेशन मस्ट बी बोनाफाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज द होल, द अल्टरेशन विल नॉट हाउएवर बी बैड मेयरली बिकॉज इट इन्फ्लिक्ट हार्डशिप ऑन इंडिविजुअल शेयर होल्डर, जो अल्टरेशन है वो कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, उससे कंपनी को या शेयर होल्डर को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, तभी आप आर्टिकल के अंदर अल्टरेशन कर सकते हैं। द अल्टरेशन मस्ट नॉट कंस्टिट्यूट अ फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी ऑफ द मेजोरिटी, इफ द अल्टरेशन इज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी एज अ होल बट फॉर द मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर देन द अल्टरेशन वुड बी बैड। क्या बोला है, जो अल्टरेशन होनी चाहिए वो उसके साथ उसकी वजह से माइनॉरिटी के साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अल्टरेशन से सिर्फ जो मेजर शेयर होल्डर है उन्हें फायदा हो और जो माइनर शेयर होल्डर है उन्हें कोई फायदा ना हो या नुकसान हो, तो ऐसा कोई भी अल्टरेशन कंपनी के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। नेक्स्ट, एन अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल टू इफेक्ट ऑन कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। अल्टरेशन कर रहे हो आप आर्टिकल के अंदर, क्या अल्टरेशन कर रहे हो कि पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी बना रहे हो, तो ऐसी अल्टरेशन करने के लिए आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। फिर आ कंपनी कैन नॉट जस्टिफाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी और अवॉइड अ कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी बाय अल्टरिंग आर्टिकल, जो कंपनी है वो अल्टरेशन के अंदर कुछ ऐसा नहीं कर सकती जिससे क्या हो थर्ड पार्टी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हो जाए या फिर उसकी जो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है कंपनी की वो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी खत्म हो जाए अल्टरेशन से। अगर कोई ऐसा अल्टरेशन कर रही है कंपनी तो वो ऐसा नहीं कर सकती है, ठीक है। ये आपकी लिमिटेशंस हो गई हैं कि क्या क्या अल्टरेशन आप आर्टिकल के अंदर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपके दो डॉक्ट्रिन निकल के आते हैं, मतलब दो थ्योरीज निकल के आती हैं आर्टिकल से रिलेटेड। पहली है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरनल इंडोर मैनेजमेंट, तो ये क्या है, द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस थ्रोज अ बर्डन ऑन पीपल एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी दैट दे आर प्रेज्यूम टू हैव रीड द डॉक्यूमेंट दो इन फैक्ट दे माइट नॉट हैव रीड देम। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है और एक और आएगा आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये दोनों साथ में मिलकर पढ़े जाते हैं। तो क्या बोला है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है वो कंपनी के ऊपर एक मतलब जो पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहे होते हैं उनके ऊपर एक बर्डन डाल देता है, एक लाइबिलिटी ला देता है, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर क्या माना जाता है
कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है ये माना जाता है उसने कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट है उन्हें पढ़ा हुआ है, फिर चाहे उसने पढ़ा हुआ हो उसकी इन्फॉर्मेशन उस पर्सन को हो या ना हो, ये मान लिया जाता है कि उसने सारे डॉक्यूमेंट और सारी चीजों की उसे इन्फॉर्मेशन है। इन अदर वर्ड दे आर नॉट बाउंड टू इंक्वायर इनटू द रेगुलरिटी ऑफ इंटरनल प्रोसीडिंग। एन आउटसाइडर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू सी दैट कंपनी कैरीज आउट इन इंटरनल रेगुलेशन। और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है। वो ये कहता है अगर कोई कंपनी और किसी आउटसाइडर के साथ डीलिंग हो रही है तो आउटसाइडर है वो ये मान सकता है कि कंपनी को जो जो लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले, वो सारी इंटरनल प्रोसीडिंग्स कंपनी की हो रखी हैं। ये कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एक डॉक्ट्रिन है ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है वो ये कहता है कि जो आउटसाइडर है उसे पूरी नॉलेज है, अगर उसने डॉक्यूमेंट्स को रीड करा या नहीं करा उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। वहीं जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो ये कहता है कि कंपनी ने इंटरनल प्रोसीडिंग पूरी करी है या नहीं करी उसके लिए जो बाहर वाली पार्टी है वो लायबल नहीं होगी, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है इसकी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग एक्सेप्शन। मतलब एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा कि कब कब बाहर वाली पार्टी लायबल होगी कि कंपनी ने जब वो चेक ना करे कि कंपनी ने इंटरनल प्रोसीडिंग फुलफिल करी है या नहीं करी, कब ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी बाहर वाली पार्टी पर और उसके लिए बाहर वाली पार्टी लायबल हो जाएगी। तो पहला है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। तो द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन हु हैव एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ वांट ऑफ अथॉरिटी ऑफ द पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। क्या बोला है, मान लीजिए जो पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है उसे पता है कि कंपनी के अंदर कुछ इरेगुलरिटी है, मतलब जो प्रोविजन जो जो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कंपनी ने वो सारी चीजें पूरी नहीं कर रखी हैं, लेकिन ये जानते हुए भी वो पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है तो फिर वो पर्सन खुद लायबल होगा। अगर कोई भी आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम आती है उसके लिए वो पर्सन खुद लायबल होगा, उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। ये इसकी फर्स्ट एक्सेप्शन है। सेकंड एक्सेप्शन है नो नॉलेज ऑफ आर्टिकल। तो द रूल कैन नॉट बी इनवोक्ड इन फेवर ऑफ पर्सन हु डिड नॉट कंसल्ट द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल दैट इज नॉट रिलाय ऑन देम। क्या बोला है, जो मेमोरेंडम है और आर्टिकल है वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, तो अगर पर्सन ने उन्हें ही रीड नहीं करा और वो कंपनी के साथ एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में तो उसके लिए भी वो पर्सन खुद लायबल होगा, कंपनी लायबल उसके लिए नहीं होगी। नेक्स्ट है वॉइड और इलीगल ट्रांजेक्शन। तो द रूल डज नॉट अप्लाई टू ट्रांजेक्शन विच आर वॉइड और इलीगल हैव इनिशियो। अगर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो वो पर्सन किस इलीगल हैगी और वो पर्सन फिर भी एंटर कर रहा है कंपनी के साथ तो उसके लिए भी वो पर्सन लायबल होगा, कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। फिर नेग्लिजेंस, तो इफ एन ऑफिसर ऑफ कंपनी डज समथिंग विच वुड नॉट ऑर्डिनरी विद इन हिज पावर द पर्सन डीलिंग विद हिम मस्ट मेक प्रॉपर इंक्वायरी एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज टू द ऑफिसर अथॉरिटी। इफ ही फेल्स टू मेक इंक्वायरी ही कैन नॉट रिलाई ऑन द रूल। नेग्लिजेंस क्या बोला है कि अगर थोड़ी सी जांच पड़ताल करके वो पर्सन पता लगा सकता था कि जो ये पर्सन मेरे साथ डील कर रहा है कंपनी के बिहाफ पर इसके पास ये पावर नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, थोड़ी सी भी जांच पड़ताल इंक्वायरी नहीं करता है और उसे नहीं पता लग पाता कि एक पर्सन के पास अथॉरिटी नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की और वो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है तो उसके लिए भी वो पर्सन लायबल होगा, कंपनी लायबल नहीं होगी। तो ये आपकी एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की। नेक्स्ट है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। सेक्शन 610 प्रोवाइड दैट मेमोरेंडम एंड आर्टिकल व्हेन रजिस्टर्ड बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड देन दे कैन बी इंस्पेक्टेड बाय एनीवन ऑन पेमेंट ऑफ नॉमिनल फी। क्या बोला गया है, जो मेमोरेंडम है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई भी उन्हें इंस्पेक्ट कर सकता है, मतलब कोई भी उन्हें कभी भी चेक कर सकता है। देयरफॉर एनी पर्सन हु कॉन्टेम्प्लेट्स एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी हैव मींस ऑफ एसर्टेनिंग एंड इज थस प्रेज्यूम्ड टू नो द पावर ऑफ कंपनी एंड द एक्सटेंट टू विच दे कैन बी डेलीगेट टू द डायरेक्टर। तो अगर कोई भी पर्सन कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो ये माना जाता है कि उस पर्सन को इन दोनों डॉक्यूमेंट की पूरी पूरी नॉलेज है, वो उसने कंपनी की सारी पावर और जो जो उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन है सारी चीज़ों के बारे में उस पर्सन को पता है। इन अदर वर्ड एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज प्रेज्यूम टू हैव रीड दीज डॉक्यूमेंट एंड अंडरस्टूड देम इन देयर ट्रू पर्सपेक्टिव। दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अकॉर्डिंग क्या प्रेज्यूम करा जाता है कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है उसे कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज है और सारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सभी चीज़ों के बारे में पता है।
इवन इफ द पार्टी डीलिंग विद द कंपनी डज नॉट हैव एक्चुअल नोटिस ऑफ द कंटेंट इट इज प्रेज्यूम्ड दैट हैव कंस्ट्रक्टिव नोटिस। चाहे उस पर्सन को जो पर्सन डील कर रहा है उसे नॉलेज हो या ना हो, बस ये मान लिया जाता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अकॉर्डिंग कि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, उसे इन सारी चीजों के बारे में पता है। ठीक है, अब जो लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का वो हैगा, इस यूनिट का वो हैगा आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, की कंपनी को हम ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करवा सकते हैं। तो द MCA 21 प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इनेबल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, जो MCA प्रोजेक्ट 21 आया था उसके अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन है उसके प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया है। इसमें दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड प्रोसेस, एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। तो सबसे पहले इसमें रन को समझना है। रन क्या होता है? रिजर्व यूनिक नेम इज अ वेब सर्विस यूज्ड फॉर रिजर्विंग अ नेम फॉर अ न्यू कंपनी और फॉर चेंजिंग इट्स एग्जिस्टिंग नेम, इट वेरीफाई दैट द नेम इज यूनिक इज नॉट। तो सबसे पहले अगर कोई भी कंपनी को रजिस्टर करवाना है तो जो कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं उन्हें पहले रन पर जाना पड़ेगा। रन क्या है? एक वेब सर्विस है कि जहाँ पर आपको ये पता लगता है कि आप जो कंपनी का नाम रिजर्व करना चाहते हैं वो यूनिक नेम है या पहले से किसी कंपनी का नेम तो नहीं है। ये सारी चीजें इस वेबसाइट पर आपकी चेक हो जाती है। फिर द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर में बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड रिजर्व द नेम फॉर द पीरियड। तो इस रन के अंदर एक होता है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर CRC, जो कि आपके डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपके नेम को रिजर्व कर देता है। कितने टाइम के लिए? पहला 20 days फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल इफ इन केस ऑफ नेम इज रिजर्व फॉर न्यू कंपनी, अगर आपकी नई कंपनी बन रही है तो 20 दिनों के लिए नाम रिजर्व हो जाता है। एंड 60 days फॉर द डेट ऑफ अप्रूवल इफ इन केस ऑफ इंक्लूडिंग अ चेंज इन नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, और अगर अपने आप कोई पुरानी कंपनी है उसका नाम चेंज करना चाहते हैं उसके लिए आप नाम रिजर्व कर रहे हैं तो वो 60 days के लिए नाम रिजर्व करा जाता है। उसके बाद आता है आपका सिंप्लीफाइड प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, जिसे स्पाइस का नाम दिया जाता है। तो द स्पाइस मेथड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी इज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट द कंपनी इट इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन अक्टूबर 2015 एम्स टू इंश्योर इज इन डूइंग बिजनेस एंड रिड्यूस टाइम इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। स्पाइस क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है जो कि अक्टूबर 2016 में आया था, जिसके अंदर क्या किया जाता है किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा जाता है ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली इनकॉर्पोरेट करा जाता है, जिससे जो इनकॉर्पोरेशन का टाइम था मैन्युअली वो सारा सेव कर लिया जाता है। प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले INC 32 फाइल एन एप्लीकेशन एज पर इंटीग्रेटेड फॉर्म INC 32 फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। नेम इनकॉर्पोरेट करने के लिए रिजर्व करने के लिए INC 32 फाइल करना पड़ता है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रपोज्ड कंपनी डायरेक्टर OPC प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, जो भी करना चाहता है इसको इनकॉर्पोरेट, चाहे वो डायरेक्टर हो OPC का हो प्राइवेट कंपनी का हो, उसे INC 32 फिल करना पड़ता है। ओनली वन नेम इन ईफॉर्म INC 32। INC 32 के अंदर एक ही नेम रिजर्व किया जा सकता है। INC 33, INC 34, MOA फाइल्ड इन फॉर्म 33, AO फाइल्ड इन 34। उसके बाद क्या करना पड़ता है? ये सारे फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं। फिर आएगा मैक्सिमम 3 डायरेक्टर। तो द पर्टिकुलर ऑफ मैक्सिमम ऑफ 3 डायरेक्टर शैल बी अलाउड टू फाइल्ड इन INC 32 इन केस व्हेन प्रपोज्ड डायरेक्टर डू नॉट हैव डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। INC 32 के अंदर आपको कम से कम 3 डायरेक्टर की डिटेल्स देनी होती हैं, जो कि आपके प्रपोज्ड डायरेक्टर रहेंगे जब तक उनको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं मिल जाता है। फिर आएगा प्रोमोटर। तो द एप्लीकेशेंट शेल साइन एंड विटनेस डिजिटली द मेमोरेंडम एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर्ड इन ई फॉर्म INC 33 एंड 34 एंड बोथ फॉर्म हैज अटैच्ड फ्रॉम टू ई फॉर्म INC 32। क्या बोला है? जो एप्लीकेंट है मतलब जो प्रोमोटर है वो इन सभी डॉक्यूमेंट डिजिटली साइन करेगा मेमोरेंडम को, आर्टिकल को जो कि INC 33 और 34 में बनाए गए हैं, और उसे अटैच करेगा INC 32 के साथ। फिर एज पर सेक्शन 12(2) अ कंपनी वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑल द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड एंड अटैच्ड इन INC 32 इन केस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इज डिफरेंट। उसके बाद वेरिफिकेशन होगी, अगर आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो डिफरेंस है तो उसकी वेरिफिकेशन करी जाएगी। फिर रजिस्ट्रार, तो द रजिस्ट्रार इन हुज ज्यूरिडिक्शन द ऑफिस ऑफ प्रपोज्ड कंपनी विल बी सिचुएटेड विल प्रोसेस अलॉटमेंट ऑफ DIN INC 32, Also inform about deficiency if any and removal of the same। जो रजिस्ट्रार है उसका काम क्या होता है? जिस भी jurisdiction के अंदर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो क्या करेगा? उसका रजिस्ट्रार उन्हें DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू करेगा और INC 32 के अंदर अगर कोई भी डेफिशियंसी है तो उसे रिमूव करने के लिए बोलेगा। रिजेक्ट कब होती है? तो द एप्लीकेशन ऑफ प्रपोज्ड कंपनी में भी रिजेक्टेड बाय रजिस्ट्रार इफ डेफिशिएंसी इज नॉट रिमूव्ड। अगर डेफिशिएंसी है उसे ठीक नहीं करा कंपनी ने तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये था आपका इंटीग्रेटेड प्रोसेस। अब आता है आपका नॉन इंटीग्रेटेड प्रोसेस क्या है कंपनी को रजिस्टर करवाने का।
तो पहला है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइड डीएससी, जिसे कहा जाता है ऑब्टेन्ड डीएससी फॉर ऑल प्रपोज्ड डायरेक्टर बिकम एमसीए 21 ई गवर्नेंस रिक्वायर द यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर बाय ऑल दोस पर्सन हु आर ऑथराइज्ड टू साइन द डॉक्यूमेंट आर लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशू द डिजिटल सिग्नेचर। क्या बोला है, सबसे पहले जो भी कंपनी के प्रपोज डायरेक्टर हैं उन्हें अपना एक डिजिटल सिग्नेचर ऑब्टेन करना पड़ता है, जो कि लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी है डिजिटल सिग्नेचर इशू करती है, जो उनसे अपना डिजिटल सिग्नेचर ऑब्टेन करना पड़ेगा। उसके बाद डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अप्लाई फॉर DIN प्रॉपर फॉर्मेट भी डिजिटली साइन बाय CACS कॉस्ट अकाउंटेंट एंड अपलोडेड बाय MCA पोर्टल आफ्टर पेमेंट ऑफ फी इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड सक्सेसफुल पेमेंट देन प्रोविजनल DIN इज जनरेटेड। क्या बोला है, जब डिजिटल सिग्नेचर ऑब्टेन हो जाएगा उसके बाद उन पर्सन को क्या करना पड़ता है, अपने DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो कि उन्हें अलॉट किया जाता है फीस पेमेंट करने के बाद। फिर है वैलिडेट द सिग्नेचर, तो इंप्लीमेंट अ रोल ऑफ चेक इन MCA एप्लीकेशन टू वैलिडेट द सिग्नेचर डायरेक्टर एज वेल एज प्रोफेशनल हु सर्टिफाइड द डॉक्यूमेंट ओनली आफ्टर द ई फॉर्म विल बी अपलोडेड इन द पोर्टल। उसके बाद क्या होता है, जो ये डॉक्यूमेंट सबमिट करे जा रहे हैं इसके लिए जो सिग्नेचर कर रहा है कोई भी प्रोफेशनल है या डायरेक्टर है उन सभी के सिग्नेचर को वैलिडेट किया जाएगा। उसके बाद नेम प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1952 टू सिलेक्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एटलीस्ट वन नेम एंड मैक्सिमम ऑफ सिक्स नेम कंसिस्टेंट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी ऑल्सो इंश्योर दैट नेम डज नॉट रिजेंबल द नेम ऑफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी एंड दैट इज नॉट वायलेट द प्रोविजन ऑफ एम्बलेम एंड नेम इफ द प्रपोज्ड नेम इज नॉट अवेलेबल देन दैट केस अ फ्रेश नेम ऑफ सेम एप्लीकेशन। क्या बोला गया है, उसके बाद आपको नेम रिजर्व करना पड़ता है। नेम के लिए आपको कम से कम आपको 6 नाम देने होते हैं प्रायोरिटी की लिस्ट में, कि सबसे पहले आप क्या नाम रखना चाहते हैं और सबसे लास्ट तक अगर आपके नाम नहीं मिलते हैं तो आपका क्या नाम रखा जा सकता है। तो ऐसे आपको नेम रिजर्व करने पड़ते हैं, जो भी आपका अगर नेम अवेलेबल होता है वो मिल जाता है। कोई भी ऐसा नाम नहीं होना चाहिए जो पुरानी किसी कंपनी से रिजेंबल करता हो, ठीक है। फिर होता है आपका नेम अप्रूव्ड, आफ्टर द नेम अप्रूवल द एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू कंपनी बाय फाइलिंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी अदर देन ओबीसी विद इन 60 डेज ऑफ नेम अप्रूव्ड। अगर आपका एक बार नेम अप्रूव हो जाता है तो एप्लीकेंट क्या कर सकता है, नई कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है 60 दिनों के अंदर अंदर। सेक्शन 12 यहाँ पर आता है रोल में, अ कंपनी फर्निश टू रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के अंदर कंपनी फर्निश करेगी रजिस्ट्रार को उसका रजिस्टर्ड ऑफिस वेरीफाई करने के लिए। इन सच में बी प्रोस्क्राइब्ड अकम्पेन्ड बाय एनी प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट अ टाइटल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ कंपनी नोटराइज्ड कॉपी ऑफ लीज रेंट एग्रीमेंट विद नेम ऑफ कॉपी विद कंपनी ऑफ रेंट पेड। जो भी डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी रजिस्ट्रार वो मांग सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, तो फाइल पर्टिकुलर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजरल पर्सन विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एवरी डायरेक्टर एंड की पर्सनल। उसके बाद कंपनी को क्या करना पड़ता है, जो भी कंपनी ने डायरेक्टर अपॉइंट करा है की मैनेजरल पर्सन अपॉइंट करा है उसकी सभी की डिटेल 30 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी होती है अपॉइंटमेंट के 30 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है। फिर ई पेमेंट, मेक पेमेंट ऑफ MCA 21 पोर्टल प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ ई पेमेंट ऑफ रिक्वायर्ड फाइलिंग एंड रजिस्ट्रेशन फी। फिर आपको पेमेंट करनी होती है, ऑनलाइन ही पेमेंट होती है, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग फी की पेमेंट होती है वो आपको करनी पड़ेगी। फिर रिसीविंग ईमेल, रिसीविंग ईमेल ऑन अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन देन रजिस्टर्ड जनरेटेड इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट विल कंसिस्ट कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर इन INC 11 इन फ्यू डेज कंसिस्ट ऑफ पेन ऑफ द कंपनी। क्या बोला है, उसके बाद जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो जो ईमेल होती है उस पर एक कंफर्मेशन मेल आती है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गई है और कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर और पैन परमानेंट अकाउंट नंबर इशू कर दिया जाता है। तो आपका ये प्रोसेस होता है किस तरीके से आप किसी भी एक कंपनी को ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं, दोनों प्रोसेस से, चाहे इंटीग्रेटेड प्रोसेस से या नॉन इंटीग्रेटेड प्रोसेस से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी ये जो यूनिट नंबर 2 थी उसकी वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। जितना भी कंटेंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट था वो सारी चीजें मैंने आपको कवर करवा दी हैं। होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। थैंक यू।